नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरे T20 मैच में सूर्य कुमार यादव की एक ऐसी आंधी आई, ये आंधी या कहें तूफान आया, जिसमें पूरे श्रीलंका के गेंदबाज उड़ गए, उजड़ गए और उन्हें कोई अता पता नहीं था कि सूर्य कुमार यादव को कहां गेंदबाजी की जाए। सूर्य कुमार यादव ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20 मैच में केवल 45 गेंद पर शतक लगाकर श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। सूर्य कुमार यादव ने अपनी पारी में 6 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के लगाए। वहीं सूर्य कुमार यादव की पारी की बात करें तो शुरू से ही इस मैच में वो अटैकिंग मोड में दिखे। दूसरे T20 मैच में उन्होंने अर्धशतक जरूर लगाया लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए थे। इसकी जो कहते ना कामना और जो उनकी अधूरी इच्छा थी वो उन्होंने तीसरे T20 मैच में पूरी कर ली। 45 गेंद पे शतक, अपने इंटरनेशनल करियर का तीसरा शतक है उनका इंटरनेशनल T20 करियर का। देखें अगर तीसरा शतक है, अब केवल उनसे रोहित शर्मा आगे है। अगर भारतीय की बात से की जाए और ओवरऑल बात की जाए तो रोहित शर्मा और न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो, इन दोनों ने 4-4 शतक लगाए हैं T20 इंटरनेशनल में। लेकिन अब सूर्य कुमार यादव काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2022 में इन्होंने 2 शतक लगाए थे लेकिन 2023 में भी पहला शतक आ चुका है T20 में। और वो किसके बल्ले से आया है, ना केवल कोई बल्लेबाज बल्कि 360 प्लेयर सूर्य कुमार यादव ने एक बेहतरीन पारी खेलते हुए टीम इंडिया को एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचाया और अपने करियर का तीसरा T20 करियर शतक पूरा किया है। अगर उनके बल्लेबाजी आंकड़ों की बात करें तो आज उन्होंने थर्डमैन के ऊपर से भी छक्के लगाए, स्कूप शॉट से भी, जिसकी कायल पूरी दुनिया है, वहां पर भी बहुत सारे शॉट लगाए। दुनिया में जब उनको 360 डिग्री प्लेयर के नाम से जाना जाता है तो आज शॉट्स भी उन्होंने हर जगह ही खेले। दोबारा से बता देते हैं, केवल 45 गेंद पे उन्होंने शतक लगाया है। अपना शतक उन्होंने 6 चौके और 8 छक्कों की मदद से लगाया है। तो सूर्य कुमार यादव की पारी के लिए आप क्या कहेंगे, टीम इंडिया के लिए क्या कहेंगे? इसके अलावा राहुल त्रिपाठी ने भी 35 रन की एक इंपॉर्टेंट पारी खेली है, उनकी पारी को भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आज सारी लाइमलाइट छीन के ले गए सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव की पारी के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके अलावा आपने न्यूज नेशन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।